और राजस्थान संकट पर कांग्रेस विधायक महेश जोशी का बयान, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। पर्यवेक्षक यहां आए, हमने अपनी बात आलाकमान तक पहुंचाने के लिए कल बैठक की। आलाकमान तय करे कि अब क्या करना है। कांग्रेस तोड़ने वालों को संदेश मिला, पार्टी नहीं टूटेगी। पर्यवेक्षक खाली हाथ नहीं, हमारी भावना ले जा रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ राजस्थान सरकार में मंत्री अशोक गहलोत के बेहद करीबी नेता महेश जोशी हैं, और कल गहलोत समर्थक जो विधायक थे उनके बारे में आप मीडिया के को ब्रीफ करते हुए भी इनको देख रहे थे, और इस वक्त महेश जोशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेश जी, आप लोगों के कदम को पर्यवेक्षकों ने अनुशासनहीनता बता दिया है। उन्होंने कहा है शांति धारीवाल के घर इकट्ठा होना अनुशासनहीनता है पहली नज़र में। हमें लिखित में कोई, अगर लिखित में या मौखिक कैसे भी अगर हाईकमान की तरफ से कोई स्पष्टीकरण मांगा जाता है, तो मेरा ये कहना है कि स्पष्टीकरण मांगना हाईकमान का अधिकार है और उसका सम्मानपूर्वक और उचित जवाब देना, अपनी स्थिति को बिल्कुल स्पष्ट करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। हमें कोई नोटिस मिलेगा तो हम अपनी स्थिति को बिल्कुल स्पष्ट करेंगे। हमारा मानना है कि हमने कोई अनुशासनहीनता नहीं करी। हमारा ये मानना है कि हमारी निष्ठा जो है पार्टी के प्रति और पार्टी हाईकमान के प्रति, उस पर किसी प्रकार का कोई शक न पहले था और न आज नहीं। लेकिन ऐसा मैसेज गया है कि आप लोगों ने बगावत कर दी है। हमारे कदम को किस रूप में पेश किया जाता है मीडिया में, मैं नहीं कह सकता, लेकिन हम सब के निष्ठा पार्टी हाईकमान के प्रति आज भी 100% पार्टी आप आलाकमान के प्रति निष्ठा भी बता रहे हैं और आलाकमान का संदेश भी नहीं मान रहे, क्योंकि ये बात तय है। अब तो सामने आ गई कि आलाकमान ने तय कर दिया था कि अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभालेंगे, सचिन पायलट को सीएम बनाया जाएगा, ये पार्टी आलाकमान ने तय किया और आप उसी बात को नहीं मान रहे। ऐसा कोई संदेश न तो खड़गे साहब ने दिया कि अशोक गहलोत जी को बनाया जाएगा इसलिए सचिन पायलट जी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, न अजय माकन जी ने दिया। हमारी बात, हमने ये कहा था अजय माकन साहब को, जो हो सकता है हम नहीं समझा पाए हों या किसी कारण से उनके समझने में कोई अंतर रह गया हो, हमने स्पष्ट बात ये कही थी कि जो बगावती लोग हैं, जिन्होंने पार्टी के अनुशासन को तोड़ा है, जिन्होंने पार्टी की सरकार को कमज़ोर किया हो, जिन्होंने पार्टी की सरकार को गिराने की कोशिश की है, उनमें से कोई मुख्यमंत्री नहीं बने। बाकी पार्टी हाईकमान की इच्छा हो, जिसको बनाए, ए को बनाए, बी को बनाए, सी को बनाए, डी को बनाए, जेड को बनाए, जिसको चाहे पार्टी हाईकमान मुख्यमंत्री बनाए, उसमें हमारा कोई, ये तो ब्लैकमेलिंग हो गई महेश जी कि हम जो कहेंगे वो करिए। हमने तो नहीं कहा जो कहें, हमारी बात कहना भी हमारा अधिकार है। हाईकमान हमारा है और हम हाईकमान के हैं। हाईकमान तक, अब संरक्षक तक अपनी बात पहुंचाना हमारा अधिकार। अगला कदम क्या होगा अगर आलाकमान आपकी बात नहीं मानता है? आलाकमान जो अंतिम आदेश देता है उसकी हम पालना करते हैं हमेशा से। आलाकमान ने अगर वही फैसला बरकरार रखा तो क्या करेंगे? जो आलाकमान कहेगा वो करेंगे, लेकिन हमारी बात सुनी जाए। हमारा इतनी आलाकमान ने सचिन पायलट को सीएम बनाया तो क्या करेंगे? आप अपनी तरफ से कुछ भी कहें, हमारी एक लाइन की बात है कि आलाकमान का जो अंतिम आदेश होगा उसकी पालना करना हमारी जिम्मेदारी। अगली लाइन कहते हैं उसके बाद लेकिन लगा देते हैं, वहीं पर सारी बात खत्म। नहीं, कोई लेकिन नहीं लगाया, लेकिन तो आप लगवा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप पैरवी करने आए हैं किसी की।